संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती शनिवार को नगर में बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। शहर के अलग अलग कोनों से विभिन्न संगठनों द्वारा निकाली गई रैलियां विशाल जुलूस के रूप में स्थानीय मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट चौराहे स्थित अम्बेडकर सर्कल पहुंची, जहाँ अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन आदर्श आज भी प्रासंगिक है, युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर बाबा साहेब को नमन किया गया। विभिन्न संगठनों की ओर से जुलूस में एक झांकी शामिल की गई, जिसमें बाबा साहब के चरित्र को दर्शाते हुए अंबेडकर की भूमिका निभाई। जुलूस के आगे बैंड बाजे और चार घोड़े चल रहे थे। अंबेडकर सर्किल पर माल्यार्पण करने वालों में मंत्री अनीता बधेल, मंत्री वासुदेव देवनानी, महापौर धर्मेंद्र गहलोत, सुरेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य कौल प्रकाश कृष्णानी, महामंत्री जय किशन पारवानी, पार्षद नीरज जैन, महामंत्री तुलसी सोनी आदि कई भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर अध्यक्ष विजय जैन, हेमंत भाटी, ललित भाटी, पूर्व मेयर कमल बाकोलिया, कांग्रेसी पार्षद सहित एनएसयूआई संगठन ने अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति कर्मचारी अधिकारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा, अनुसूचित जाति अधिकार मंच, पूर्विया जैसवार, मूची समाज, यूनियन बैंक, SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन, SC/ST आरक्षण मंच, उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ, बैंक ऑफ बड़ौदा, मेघवंश समाज, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी, दलित युवा संघ, राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन, राधाकृष्णन शिक्षिका सेना, जवाहरलाल नेहरू सामूहिक चिकित्सालय संघ, रेगर समाज, धानका समाज, दलित आदिवासी युवा संघ सहित अन्य संगठनों और संस्थाओं के द्वारा बाबा साहेब को याद किया गया। आज संविधान के शिल्पकार और दलितों के मसीहा, संविधान के रचयिता जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 127वीं जयंती पर हम उनको नमन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि आज जो कुछ भी संविधान बना है वो उनके आधार पर बना है। उन्होंने सदैव जातिवाद के खिलाफ रहे, उन्होंने सबको पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दी, सामाजिक सद्भाव के लिए उन्होंने काम किया और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उनका सम्मान किया। उनको पिछले दिनों कई वर्षों तक जब भी वो चुनाव लड़े कांग्रेस ने उनको कभी भी सहयोग नहीं किया और उसके बाद भी उनका सम्मान नहीं किया। हमारे दल के प्रयासों से उनको भारत रत्न की उपाधि प्राप्त हुई। हमने शिक्षा क्षेत्र में भी पाठ्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पाठ जोड़ा है और अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। आज के दिन हमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सामाजिक समरसता का जो पाठ पढ़ाया है, हिंदू समाज को एक साथ संगठित होने की जो बात कही, उसके लिए वो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, उस शिक्षा को ग्रहण करने की आवश्यकता है। बाबा साहब ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने दूरगामी सोच के साथ न केवल सामाजिक समरसता के नाते से श्रमिक क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और आज जिन चीज़ों पर श्रमिक संगठन काम कर रहे हैं वो उनके ही द्वारा बताई गई थी कि वो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो प्रकांड थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पहली बार एक हिंदुस्तानी ने जो डिग्री प्राप्त करी उसमें पहले प्रथम व्यक्ति थे। ऐसे विद्वान व्यक्ति जिन्होंने हमेशा शिक्षित बनने का नारा दिया, संगठित होने का नारा दिया और संघर्ष करने का नारा दिया, वो सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने दिया था और आज वही सामाजिक समरसता को जब हम तार तार होते हुए देखते हैं तो बहुत दुख होता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किस मार्ग पर चलने की हमें राह दिखाई थी, कहीं हम उस राह से कहीं उस मार्ग से भटक ना जाएं। ये जन्म जयंती और जो समारोह है वो ये सीख देते हैं कि हम उनके मार्ग पर किस तरह से आगे बढ़ सकें। यदि हम उनकी शिक्षाओं को वास्तव में ग्रहण करते हैं, वास्तव में स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सामाजिक समरसता के लिए काम करना चाहिए और सामाजिक समरसता को बनाए रखने का प्रण करना चाहिए, श्रम करना चाहिए।
बाबा साहब का भारत के ऊपर जो संविधान के ऊपर है उसको इतिहास में कोई नहीं भुला सकता है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सारे सिपाही उनको नमन करते हैं, उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने पिछले हफ्ते भर से पूरे शहर भर में भीम के ऊपर कार्यक्रम किए और आज भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता उनको नमन करते हैं। बाबा साहब की 127वीं जयंती थी, मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। हमारे संविधान के निर्माता जिन्होंने आज पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे देश को एक नई संविधान दिया, एक नई राहत, आज उन्हीं की प्रेरणा से आज पूरे समाज में, पूरे परिवार में, पूरे एक नई विकास की राहत। मैं निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार, आज पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है, बाबा साहब को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बाबा साहब को बहुत बहुत आज जयंती पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता पार्टी के और आरएसएस का जो सिर्फ नेतृत्व है उसने कभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के हमदर्द बनने की कोशिश नहीं की। वो इस वर्ग का कभी खैरख्वाह नहीं रहा है, इस वर्ग के नेताओं को कभी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, उनको प्रोत्साहित नहीं किया है। जब मौका मिलता है वो इनको कमजोर करने का काम करते हैं, इनको असम्मान करने का काम करते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने मिलकर के भारतीय संस्कृति और परंपराओं का उपहास उड़ाया है और ये बाबा साहब के प्रति बहुत बड़ा असम्मान है। हम किसी भी व्यक्ति को माल्यार्पण करके सम्मान प्रकट करते हैं तो उसके सामने जा करके और फिर उसको माल्यार्पण करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बाबा साहब के पीठ के पीछे से आओ और पीछे से माला पहनाओ, ये बड़ा असम्मान है, ये घोर अपमान है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं चाहा कि इस वर्ग के नेताओं को और इस वर्ग के लोगों को इस देश के अंदर वो सम्मान पैदा देवे, इस लोगों को अधिकार संपन्न करे। वो जब मौका पड़ता है इसको कमजोर करने की दिशा के अंदर काम करते हैं और आज इससे बड़ा अपमान कोई नहीं और हम इसकी बहुत तीव्र शब्दों के अंदर निंदा करते हैं और मांग करेंगे कि इसको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करें और अगर नहीं करेंगे तो इसके खिलाफ भी अगर हमारे को आंदोलन करना होगा तो हम आंदोलन करेंगे। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 127वीं जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको शशत नमन और शशत वंदन और सभी शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जिस तरह बाबा जी ने हमारे देश के संविधान को लागू कर सभी समाज को, सभी धर्म को, सभी जातियों को एक जाजम पर बैठाने का जो कार्य किया है वास्तव में सराहनीय है। आज उस स्थिति में है हम देश में कि हम हमारे आज आपस का भेदभाव खत्म हो गया है, सब भाईचारे से रह रहे हैं, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी कूटनीति से और वापस भाई भाई को लड़ाने में लग रही है, धर्म और जाति के नाम पर बांटने में लग रही है, ऐसा अभी हमें कुछ दिन पूर्व देखने को भी मिला। और अभी यहाँ मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी के यहाँ जो प्रतिमा लगी हुई है उन पर माल्यार्पण करने, पुष्पांजलि करने अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ पहुँची तो हमने एक दृश्य देखा कि किसी भी महापुरुष के या किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए जब हम सम्मान रखते हैं तो उसके पीछे से माला अर्पण करने की स्थिति नहीं होती है, सामने से या साइड से करने की होती है। इन्होंने सिट्टी पीछे से बनाई है, ये इन्होंने गलत किया है, मात्र कल सिट्टी आनंद फानंद में लगाकर इन्होंने यहाँ पत्थर बदल दिया है, ये इनकी ऊंची राजनीति है। क्योंकि यहाँ कांग्रेस का पत्थर लगा हुआ था, यहाँ पत्थर लगा हुआ था हमारे गोविंद सिंह की पूजन द्वारा जो यहाँ इसका उद्घाटन और निर्माण किया गया उस टाइम का ये पत्थर लगा हुआ था, उसके बाद इन्होंने पत्थर लगा के खाली ऊंची राजनीति का परिचय दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखावा कुछ करते हैं और कार्य कुछ करते हैं तो मैं तो इनकी अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से घोर निंदा करता हूँ कि इस तरह का कृत्य या ठीक नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से हमें शिक्षा लेकर और हमें एक सुदृढ़ और उत्कृष्ट राष्ट्र निर्माण के लिए जो उन्होंने हमें अग्रसर किया है उस पर चलते हुए हमें बिना भेदभाव की राजनीति से हमें जो है सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति करनी चाहिए। जय भीम। सभी लोग पढ़े और अपनी को पढ़कर जिस तरह से बाबा साहब ने संघर्ष किया, संघर्ष करके शिक्षा पर जोर दिया और एकता पर जोर दिया, तो बाबा साहब के जो तीन मूल मंत्र है, संघर्ष करो, शिक्षित
बनो एक हो। तो इस उस पर आज के जो परिपेक्ष में ये बहुत जरूरी है, सभी दलित समाज को एक होकर इस बात में शिक्षा पर बल देना चाहिए, बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलना चाहिए। और मैं नगर निगम द्रौपदी बोली पार्षद, बाबा साहब की जयंती पे सबको शुभकामनाएं। और ये जयंती है आज अजमेर शहरवासी सब 36 कौमे के लोग धूमधाम से मना रहे हैं। और बाबा साहब संविधान के निर्माता थे, और वो सिर्फ एससी एसटी के ही मसीहा नहीं थे, वो सबके चाहते थे, इसलिए हम सब मिलके जयंती मना रहे हैं। राजस्थान की नगर पालिकाएं हैं, उन सब नगर पालिकाओं में अम्बेडकर भवन बनाने की घोषणा की थी, और उसी के क्रम में आज अजमेर में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अम्बेडकर भवन का शिलान्यास हुआ है। आज के दिन राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय वसुंधरा जी ने खूब सारी घोषणाएं की हैं। उन घोषणाओं में एक महत्वपूर्ण घोषणा जिसका उल्लेख मैं करना चाहती हूँ, उन्होंने पूरे प्रदेश भर में नौकरियाँ जिस प्रकार से खुली हैं, उन नौकरियों में युवाएं जिस तरह से आवेदन कर रहे हैं, उस आवेदन की फ़ीस को, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनकी फ़ीस को पूरी तरह से माफ़ किया है, चाहे वो अनुसूचित जाति का, चाहे जनजाति का हो, चाहे जनरल वर्ग का व्यक्ति हो। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की है। और इसी के साथ उन्होंने आज जो जमवा रामगढ़ में अम्बेडकर पीठ है, उस अम्बेडकर पीठ पर 2 छात्रावास, महिला छात्रावास और पुरुष छात्रावास का शिलान्यास किया है, और उसके साथ ही एक डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया है। उस डिजिटल लाइब्रेरी से प्रदेश भर के युवाओं को लाभ मिलने वाला है, शिक्षा की दृष्टि से जो आगे आना चाहते हैं, जो और उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, उन उच्च अध्ययन करने वाले युवाओं को उससे प्रोत्साहन मिलेगा, और वो इधर उधर ना भटक करके सीधे वहाँ जा करके अपना जो शिक्षा का जो मैटर है वो उससे प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में 1 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने आज जो है एक भवन का शिलान्यास किया है। तो इस तरह से हम यदि देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बजट घोषणा के तहत वो युवा जो अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग से आते हैं और जिन्होंने आयोजनक गतिविधियों के लिए लोन लिया हुआ था, उन लोनियों के भी आज 2 लाख रुपए तक के जो ऋण थे वो आज माफ़ किए हैं, उनको दिए हैं। तो एक बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में कहा है उसको पूरा किया है, और उसी का ये परिणाम है कि इतना शीघ्र मैं शायद पहली बार राजस्थान में देख रही हूँ कि अभी बजट को, अप्रैल का महीना 14 अप्रैल हुआ है, मार्च में हमारा बजट पूरा हुआ है, और इस वित्तीय वर्ष के 15 दिन के अंदर अंदर पूरी राजस्थान भर की सारी नगर पालिकाओं में 190 नगर पालिकाएँ उनमें इसका शिलान्यास हुआ है। आज ही उन्होंने 21,000 सफाई कर्मचारियों के भर्ती की भी घोषणा की है, विज्ञापन भी निकाला है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आज उन्होंने वहाँ किया है। तो हम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और उत्तर पश्चिमी मजदूर संघ द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर रैली और झांकियों का प्रदर्शन किया गया। जोनल अध्यक्ष भूपेंद्र भटनागर के नेतृत्व में भीमराव अम्बेडकर की झांकी, भगवान बुद्ध की झांकी सजाकर हजारीबाग यूनियन कार्यालय से कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रतिज्ञा ली। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 127वीं जयंती पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन अजमेर मंडल और कारखाना के साथियों की ओर से आज ये भव्य वाहन रैली हजारीबाग यूनियन ऑफिस से अम्बेडकर सर्किल तक जा रही है। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तमाम रेल कर्मचारी अम्बेडकर सर्किल पर बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन देंगे और इस देश में अमन और चैन के लिए मनोकामना करने का काम करेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन सदैव तमाम सामाजिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाती है, और इसे भी अपना कर्तव्य मानकर प्रतिवर्ष इस प्रकार की भव्य रैली के साथ रेल कर्मचारियों के द्वारा बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। यहाँ लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे है चोर गैंग पुलिस गिरफ्त में। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।